क्या आप जानते हो कि जब आसमान में बिजली चमक रही हो तब हमें अपने फोन को यूज करना चाहिए या फिर नहीं? और एरोप्लेन का जो कॉकपिट होता है उसमें पायलट्स कुल्हाड़ी क्यों रखते हैं? तो ऐसे ही कुछ दिलचस्प और यूजफुल फैक्ट्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 15। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि क्या हो अगर सूरज एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नासा के अकॉर्डिंग सूरज कभी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि सूरज का जो साइज है वो बहुत छोटा है और इसे ब्लैक होल में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 20 गुना ज्यादा विशाल बनना पड़ेगा, और ये इतना आसान नहीं है। फैक्ट नंबर 14। चलो मैं आपको एक बहुत ही काम की वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, fast.com। ये एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे जाके आप अपने इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हो। फैक्ट नंबर 13। मशहूर फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो को तो आप सभी जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो कि रोनाल्डो अपने शरीर पे कभी भी टैटू नहीं बनवाते हैं, क्योंकि वो रेगुलरली अपने ब्लड को डोनेट करते रहते हैं। और आई थिंक हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए, टैटू वैटू में क्या रखा है यार, ब्लड देके किसी की जिंदगी बचाओ। फैक्ट नंबर 12। इस दुनिया में ज्यादातर लोग जो है वो अपना इलीगल पैसा स्विस बैंक में ही जमा करवाते हैं, क्योंकि स्विस बैंक के नियमों के अनुसार किसी भी अकाउंट होल्डर की डिटेल्स से उनको सीक्रेट रखा जाता है और उनको पब्लिक करना एक कानूनी अपराध है, और इसीलिए इस दुनिया के ज्यादातर लोग अपना इलीगल पैसा जो है इसी बैंक में रखते हैं। फैक्ट नंबर 11। ब्लैक होल का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है कि कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरी तरह से ब्लैक हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते हैं। एक्चुअल में ब्लैक होल के ऊपर जो अक्रेशन डिस्क होती है वो एकदम ग्लो करती है, और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि ब्लैक होल क्या होता है तो उनको मैं बता दूं कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें ग्रेविटी का मान सबसे ज्यादा होता है और इसकी ग्रेविटी से लाइट भी नहीं बच पाती है। ब्लैक होल अपने हाई ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आसपास के सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर खींच लेता है। फैक्ट नंबर 10। लहरें जब अपना विकराल रूप लेती है तब वो कुछ इस तरह की शेप बनाती है, लेकिन क्या आपने कभी किसी चट्टान को इस तरह का शेप बनाते हुए देखा है? नहीं देखा है तो ये देखो, और इनको किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने बनाया है, और इनका नाम है वेव रॉक्स, यानी इनको वेव रॉक्स बोला जाता है। फैक्ट नंबर 9। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के अनुसार यदि आप किसी इंसान के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान भी आप ही के बारे में सोच रहा है, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। फैक्ट नंबर 8। जिन लोगों के दांत पूरी तरह से व्हाइट होते हैं इसका मतलब ये कभी नहीं है कि उनके दांत पूरी तरह से हेल्दी हैं। एक्चुअल में जो दांत थोड़े बहुत येलोइश होते हैं यानी उनमें थोड़ा बहुत पीलापन होता है वो दांत एक्चुअल में हेल्दी माने जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। मेडिकल ऑक्सीजन जो होती है, चलो उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको कि उसको आखिर किस तरह से तैयार किया जाता है। तो आपको ये तो पता होगा कि हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 1% कोई दूसरी गैसेज होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट में एयर सेपरेशन की तकनीक से ऑक्सीजन को हवा से अलग कर लिया जाता है। उसके बाद इस ऑक्सीजन को फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें मौजूद सारी की सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाएं, और उसके बाद इसे ठंडा कर लिया जाता है। अब ये ऑक्सीजन पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है और अब इसे अलग अलग टैंकर्स में भर के अस्पतालों तक पहुंचा दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6। हर एक प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है और उस एक्सपायरी डेट के बाद वो प्रोडक्ट जो एकदम बेकार हो जाता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक जहर के एक्सपायर होने के बाद क्या वो पूरी तरह से बेकार हो जाता है, मतलब वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है या फिर नहीं करता है? तो देखो, जब जहर एक्सपायर होता है तब वो किन्हीं दूसरे केमिकल्स में चेंज हो जाता है, और ये कोई फिक्स नहीं है कि वो कम जहरीला होगा या फिर ज्यादा जहरीला होगा। हो सकता है कि एक्सपायर होने के बाद एक जहर और ज्यादा जहरीला बन जाए या फिर उससे कम जहरीला बन जाए, लेकिन रहेगा वो जहर ही। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हो कि भारत में किसी भी महिला को सूर्यास्त होने के बाद और सूर्य उदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और यदि इमरजेंसी है यानी उस महिला को गिरफ्तार करना ही है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और ये भी एक नियम है कि एक महिला अपराधी को एक महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार करेगी, पुरुष पुलिसकर्मी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। फैक्ट नंबर 4। ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो टाइम के साथ साथ एकदम कम होता जाता है, क्योंकि ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन निकलता है और इसीलिए कई सालों बाद एक ब्लैक होल जो है वो नष्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 3। मशहूर बाइक कंपनी KTM जो है उसका फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट फ्रेजुग ट्रंकन पोल्स मेटिगोफिन, और इंग्लिश में इस वर्ड का सिंपल सा मतलब है मोटर व्हीकल। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हो कि एरोप्लेन के जो पायलट्स होते हैं वो अपने कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी क्यों रखते हैं? यदि नहीं जानते हो तो देखो आप, यदि विमान में बाय चांस आग लग जाए या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से विमान का जो कॉकपिट है उसमें यदि धुआं भर जाए तो उसका गेट जो अपने आप ही लॉक हो जाता है, उसे तोड़ने के लिए वहां पे कुल्हाड़ी रखी जाती है ताकि पायलट्स कुल्हाड़ी की मदद से उस गेट को आसानी से तोड़ सके। और FAA यानी फेडरल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार हर एक एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में एक कुल्हाड़ी होनी चाहिए, और कई देशों में तो ये नियम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि यदि किसी विमान के कॉकपिट में कुल्हाड़ी नहीं है तो उनको टेक ऑफ भी नहीं करने दिया जाता है। फैक्ट नंबर 1।
ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि जब आसमान में बिजली चमक रही हो तब आपको अपने स्मार्टफोन को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से मिथ है, रियलिटी तो कुछ और ही है। दरअसल आपके स्मार्टफोन में से जो वेव्स निकलती हैं वो रेडियो वेव्स होती है और उनको आसमान में चमकने वाली बिजली किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती है। तो ये बात पूरी तरह से गलत है कि जब आसमान में बिजली चमक रही हो तब हमें अपने मोबाइल फोन को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात सिर्फ आपके सेल फोन यानी स्मार्टफोन और इन छोटे फोन पर ही लागू होती है। लेकिन यदि आप कॉर्डेड टेलीफोन यूज करते हो जिसमें ये वायर लगा होता है तो आपको इसे बिजली चमकने के दौरान यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान लो यदि पास में कहीं बिजली गिर गई तब वो उस वायर के थ्रू आप तक आ सकती है। और इस वीडियो के अंत में अब आप मुझे एक चीज बताओ कि SCENT इस सेंट नाम के वर्ड में एस साइलेंट है या फिर सी, कमेंट में अपना आंसर देना बिल्कुल मत भूलना। आप बिटकॉइन के बारे में पूरी डिटेल्स जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।